ये सर में दर्द क्यों हो रहा है? चाय पीती हूँ, बेहतर महसूस होगा। रामू चाय बनी क्या? जी मैडम, अभी लाता हूँ। रामू थोड़ा जल्दी करो, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। लाता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, रात तो नींद भी अच्छी आई थी और खाना भी तो घर पर ही खाया था, फिर अब ये अजीब सा क्यों लग रहा है? मैम साहब, आपके सर दर्द की दवा लाऊं क्या? नहीं रामू, चाय पी लेती हूँ, शायद उससे ठीक हो जाए। ठीक है मैम साहब, मैं साहब को चाय दे के आता हूँ। तुम रहने दो, मैं देकर आती हूँ। कल देर रात तक काम कर रहे थे, अभी भी सो रहे हैं। ठीक है मैम साहब। फिर प्रमोद भी ना, फिर लेट हो जाएगा तो मुझ पर चिल्लाएंगे। प्रमोद देखो, उठो अभी। देखो मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, अब तुम मुझे और तंग मत करो, तुम्हारी चाय भी तैयार है। प्रमोद, प्रमोद, कैसे हो गया ये सब? मैम साहब अपने आप को संभालिए, होनी को कौन टाल सकता है मैम साहब। लगता है काफी करीब से गोली मारी गई है छाती पे, और गोली लगते ही इसकी मौत हो गई, क्योंकि बेड से उतरने की भी कोशिश की हो ऐसा देख के लगता तो नहीं है। क्यों, हाथा पाई के निशान नहीं है? ऐसा लगता है कि जब खूनी ने गोली मारी तब ये गहरी नींद में सोए हुए थे। तुम इस घर के नौकर हो रामू? जी साहब। यही रहते हो? नहीं साहब, पास वाली बस्ती में रहता हूँ साहब। सुबह 7 बजे आता हूँ, घर का काम करता हूँ साहब, खाना बनाता हूँ, और रात को 7 बजे चला जाता हूँ। अंदर कैसे आया तुम? साहब मेरे पास घर की डुप्लीकेट चाबी है जो मेम साहब ने मुझे बना के दी है, उसी से साहब मैं दरवाजा खोल के अंदर आता हूँ, क्योंकि कभी कभी साहब और मेम साहब देर से उठते हैं। तो तुम्हारे पास इस घर की डुप्लीकेट चाबी भी है? जी साहब। तो जब तुम घर के अंदर दाखिल हुए तो कुछ अजीब दिखा घर के अंदर, या फिर घर के बाहर किसी को देखा जो गड़बड़ लगा? नहीं साहब, कल 7:30 बजे काम करके मैं चला गया था साहब। साहब और मेम साहब दोनों लोग टीवी पे फिल्म देख रहे थे, और जब मैं सुबह आया तो साहब और मेम साहब दोनों लोग सो रहे थे साहब, और मैं रसोई में चला गया काम करने के लिए। सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, पूरे घर की तलाशी लेते हैं, चलो। स्टडी रूम में से गन मिली है। गोली चली है। साहब, इस बंदूक के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब, मैं बहुत ईमानदार हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये लो, हमने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं और तुम खुद ब खुद बोल पड़े। अब तो हमारा शक यकीन पे बदल गया है, प्रमोद जी का खून तुमने किया है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सुरेखा जी, आपका क्या कहना है इस गन के बारे में? सुरेखा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, और ये गन कहाँ से आई मुझे ये भी नहीं मालूम। जिस कमरे में आप सो रही थी उसी कमरे में आपके पति प्रमोद की गोली मार के हत्या हुई, और आपने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी है? सर, वॉशिंग मशीन के अंदर ये खून से सने हुए कपड़े मिले। इस कपड़े को तो पहचानती हैं आप? हाँ, ये तो मेरी नाइट ड्रेस है, लेकिन इस पे खून कहाँ से आया? आप जवाब दीजिए, इस पे खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता इस पे खून कहाँ से आया। सुरेखा जी, आप झूठ बोल रही हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि आपने अपने पति प्रमोद का खून किया है। मैं क्यों अपने पति को मारूंगी? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती थी। झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरी बात को यकीन कीजिए। कैसे मान ले कि आप निर्दोष हैं?
जिस कमरे में आप सोई थी उसी कमरे में आपके पति का खून हो गया। आपने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। आपको यह तक नहीं पता कि आपके पति की मौत कब हुई। मेम साहब सच बोल नहीं साहब। चुप, कब से काम कर रहे हो तुम यहाँ? 3 साल से साहब। अब मेम साहब को और साहब को मैंने कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा साहब। झगड़ते नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेम साहब खून नहीं कर सकती। सुरेखा जी, आप ही ने अपने पति का खून किया है और जो कुछ भी हुआ आप साफ साफ बताइए हमें। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैंने उनका खून नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ। ये क्या, ये वाकई बेहोश हो गई है या बेहोश होने का नाटक कर रही है? एक काम करो, इन्हें अस्पताल लेके जाओ। सारे सबूत और प्रमोद की लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। मेरा शक एकदम सही निकला। ये गोली जो प्रमोद के शरीर में से मिली है ये इस पिस्टल से चली है और इस पिस्टल पर सुरेखा की उंगलियों के निशान है। क्या, सुरेखा के? और इस नाइटर्स पे जो खून लगा है वो किसका है? ये खून भी प्रमोद का ही है। अच्छा, इसकी मौत कितने बजे हुई? रात तकरीबन 1 से 1.5 बजे के बीच। मतलब प्रमोद का खून सुरेखा ने ही किया है। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। हॉस्पिटल चलकर इस सुरेखा से मिलना पड़ेगा। सर, सारे सबूत सुरेखा की तरफ इशारा कर रहे। मुझे तो लगता है उसने बेहोश होने का नाटक भी किया है। ए उठ, ए उठ। ये लो, ये तो सपनों की दुनिया में। इसे अभी हकीकत की दुनिया में ले जाते हैं। उठो, उठो। ड्यूटी पर सोने का पगार मिलता है क्या तुम्हें? नहीं नहीं सर, इसे तो सपने देखने का पगार मिलता है। क्या है, आप लोगों को हॉस्पिटल में रात को चेकिंग करने का पगार मिलता है? ए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? कौन सी चोरी? मैंने कौन सी चोरी की? काम चोरी, काम चोरी किए तुमने। जाओ ना, क्यों दिमाग खराब करते हो? वैसे भी पेशेंट को मिलने का टाइम खत्म हो गया। चलो कल 5 से 7 के बीच में आना। चलो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। सीआईडी सुरेखा जी इसी कमरे में? जी सर। चलो दिखा। बेड तो खाली, सुरेखा कहाँ? रात को 11 बजे चेकिंग के समय तो मेम साहब कमरे में थी, अचानक किधर गायब हो गई? जो सवाल हमें तुमसे पूछना चाहिए वही सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो? सर, हमें इस पूरे हॉस्पिटल की अच्छी तरीके से छानबीन करनी पड़ेगी। आने के छानबीन तो करनी होगी। पूरा हॉस्पिटल छान मारो, देखो सुरेखा कहाँ। सब चेक कर लिया लेकिन सुरेखा नहीं मिली सर। वहाँ पे भी नहीं है। कैसे हो गया ऐसे? सुरेखा साहब मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं तो यहीं पर बैठा था। बैठे हुए नहीं थे, सोए हुए थे। ये कपड़े देखे तुमने? ऐसे ही कपड़े हॉस्पिटल में हर मरीज को दिए जाते हैं। हाँ सर। अगर सुरेखा के हॉस्पिटल वाले कपड़े ये हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जो कपड़े सुरेखा पहन के हॉस्पिटल में आए थे वो कहाँ है? वो कपड़े तो यहीं पर रखे थे। सुरेखा के हॉस्पिटल वाले कपड़े यहाँ और उसके पर्सनल कपड़े गायब। सुरेखा खुद के कपड़े पहन के रफू चक्कर हो गई सर। बिल्कुल सही कह रहे हो फ्रेडी, उसने बेहोश होने का नाटक किया ताकि हम उसे यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराएं और मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग जाए। सर, हो सकता है इस पूरे चक्कर में कोई और भी है जो सुरेखा का साथ दे रहा है। लेकिन कौन कौन हो सकता है? वो कैसे पता चलेगा सर? इस पूरे हॉस्पिटल में लगे CCTV कैमरास की फुटेज देख के। हमें पिछले 2-3 घंटे की CCTV फुटेज देखनी है। मगर आप लोग? हम लोग CID? दस। ये रही। ये रही सुरेखा। मगर इसके हाथ में तो खुद के कपड़े हैं। और ऐसे चल रही जैसे इसमें कोई जानी नहीं है। शायद इस कमरे के अंदर वो कपड़े बदलने गई। मगर ये काम तो वो अपने कमरे में भी कर सकती थी ना? हाँ सड़ी, ये तो मैं सोच रहा हूँ। तू
ये सुरेखा तो हॉस्पिटल के गेट से बाहर चली गई। सुरेखा को अचानक हुआ क्या और हॉस्पिटल से निकल के वो गई कहाँ? पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी बेटी की खुशियों पर, उसका तो हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। आप चिंता मत कीजिए माँ, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त कौन आ गया होगा? मैं देखती हूँ। जी, लेकिन वो तो इस वक्त हॉस्पिटल में है। थी, अब नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं है तो कहाँ है? ये आपको पता होना चाहिए, पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी। अरे तलाशी? एक सेकंड, ऐसे कैसे आप तलाशी ले सकते हैं? आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? मगर आपको तो मालूम है कि वो अपने पति प्रमोद की लाश को देखकर बेहोश हो गई थी। सब नाटक था ताकि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो सके और फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर वहां से भाग सके। लेकिन सुरेखा ऐसा करेगी क्यों? आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सुरेखा, आपकी तारीफ। सर ये हमारी बहू अमेरिका से आई है अपने भाई की शादी के लिए। तो आप सुरेखा की भाभी? जी। आपके पति मतलब कि सुरेखा के भाई आपके साथ आए? जी वो मेरे साथ नहीं आए, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, लेकिन अब वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। सर सुरेखा घर में नहीं है। बताइए कहाँ छुपा के रखा आपने अपनी बेटी को? मैं क्यों छुपाऊंगी सर? क्योंकि आपकी बेटी सुरेखा जी ने अपने ही पति का खून किया है। क्या? जी हाँ। एक मिनट, आप लोगों के पास सबूत क्या है कि सुरेखा ने ही प्रमोद का खून किया? मौका वारदात से जो हमें गन मिली उस पर सुरेखा की उंगलियों के निशान, उसके अलावा खून करते वक्त जो कपड़े उसने पहने थे वो खून से सने कपड़े उसी की वॉशिंग मशीन से बरामद हुए। नहीं सर, मेरी बेटी अपने पति का खून क्यों करेगी? भला कोई अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ सकता है क्या? पैसों के लिए उजाड़ेगी। पैसों के लिए? जी हाँ, पैसों के लिए सगा भाई भाई का खून कर सकता है तो एक पत्नी अपने पति का खून क्यों नहीं कर सकती? नहीं सर, सुरेखा को पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके पिताजी ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी, बंगला गाड़ी सब कुछ। आपको यकीन नहीं आता है तो मैं कागजात आपको दिखा देती हूँ। देखिए कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सुरेखा के पास प्रमोद से ज्यादा जायदाद थी, फिर वो पैसों के लिए उसका खून क्यों करेगी? इसका पता तो चल ही जाएगा। सर इस सुरेखा को ढूंढेंगे किसे? कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा सुरेखा तक पहुंचने का। अब मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। क्या बात है? साहब मैं सुरेखा जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। कौन है आप? सुरेखा को कैसे जानते हैं? साहब मेरा नाम गौरव है, मेरी सुरेखा जी और प्रमोद जी के घर के पास ही किराने की दुकान है, वो अक्सर मेरी दुकान से ही खरीदारी करते। तो फिर परसों रात में गांव के लिए ऑटो रिक्शा से स्टेशन जा रहा था, मेरी रात 2 बजे की ट्रेन थी। जब मैं घर से निकला तो मैंने देखा सुरेखा जी अपने घर के पास वाले पब्लिक पार्क में नंगे पैर नाच रही थी। क्या सुरेखा जी पब्लिक पार्क में नाच रही थी और वो भी नंगे पांव? साहब मुझे भी बहुत अजीब सा लगा, रात के 1 बजे का वक्त थोड़ा ही होता है पब्लिक पार्क में नाचने का। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कितने बजे? 1 बजे। रात के 1 बजे? जी हाँ, रात के 1 बजे सुरेखा पब्लिक पार्क में नाच रही थी नंगे पांव और सचिन उसी वक्त, और रात के 1 और 1.5 बजे के बीच में प्रमोद का भी खून हुआ। पूरे होश में थे जब तुमने देखा या फिर कुछ शौक है तुम्हें? साहब मैं पूरे होश में था, आप मेरा यकीन कीजिए। सर कोई एक इंसान एक ही वक्त पे 2 अलग अलग जगह पे कैसे हो सकता है? वही तो सचिन, वही तो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ठीक है तुम जा सकते हो। पंकज इनका फोन नंबर और एड्रेस ले लेना, जरूरत पड़े तो हम तुम्हें खुद से बुला लेंगे। हाँ सचिन, सुरेखा के बारे में और भी पूछताछ करनी पड़ेगी, और भी गहरी पूछताछ। तो सर एक बार फिर से सुरेखा के घर की तलाशी ले ले। बिल्कुल बिल्कुल ले लो उसके घर की तलाशी, कोई ना कोई सुराग तो वहां पर जरूर है जो हमारी आंखों से छूटा है। सर किराने वाले ने जो बात बताई है उसे सुनकर मेरा दिमाग गोल गोल घूम रहा है, भला कोई आधी रात को वो भी पब्लिक पार्क में नंगे पैर क्यों नाचेगा? फ्रेडी हमने सुरेखा के बारे में पता कर लिया है, उसे कॉलेज के दिनों से नाचने का बहुत शौक था और शायद शादी के बाद वो ये शौक पूरा नहीं कर पाई और इसीलिए पार्क में आके। सर मैट पे मिट्टी लगी। हाँ फ्रेडी, पर हो सकता है ये मिट्टी किसी के जूतों से लग गई हो।
हमें ठोस सबूत चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। अंदर चल के देखते हैं। एक एक कमरा छान मारना, किसी भी चीज को नजरअंदाज मत करना। जल्दी काला सलवार, सलवार में मिट्टी भी लगी हुई है। डॉक्टर सालों के हिसाब से प्रमोद की मौत रात 1 बजे के करीब हुई थी, पर एक इंसान एक ही समय पर दो जगह पर कैसे हो सकता है? या तो वो अपने पति का खून करके सबूत मिटा रही होगी, या फिर पार्क में डांस कर रही होगी। अब ये क्या चक्कर है? सर, सुरेखा की मेडिकल फाइल मिली है। अच्छा, ये क्या? ये सुरेखा रात सोने से पहले सिस्टफैम टैबलेट खाती थी। ये सिस्टफैम क्या है? डॉक्टर सालों के ही बताएंगे। डॉक्टर साहब, फिलहाल आप ये बताइए कि ये सिस्टफैम नाम का जो टैबलेट है, ये किस चीज के लिए ली जाती है? हाँ, ठीक है सर। क्या हुआ? टैबलेट सिस्टफैम एंटी डिप्रेसेंट है। मतलब सुरेखा को डिप्रेशन की बीमारी? पर ये बात सुरेखा की माता जी ने हमें क्यों नहीं बताई? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेखा की माँ ने हमसे ये बात जानबूझ के छुपा के रखी हो? अब ये तो हमें ये डॉक्टर बताएंगे जिसने सुरेखा को ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी, डॉक्टर जितेन। ये 2 गोलियां ले लीजिए, इससे तुम्हारी दिमागी दृश्य कम हो जाएगी। मनसुख, इन्हें ले जाइए। आइए। आपको परेशान करने के लिए, दरअसल आपसे बहुत जरूरी काम था, इसलिए बिना अपॉइंटमेंट ही अंदर चले आए। कौन है आप लोग? मुझसे कैसे आते हैं? हम लोग सीआईडी से, हमें आपकी पेशेंट सुरेखा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सुरेखा? पूछिए, क्या पूछना है? आपने ही सुरेखा को ये एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट सिस्टफैम दिया था ना? हाँ, ये मैंने प्रिस्क्राइब की थी। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि सुरेखा को कौन सी बीमारी थी? देखिए, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, और साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैं अपने किसी भी मरीज के बारे में किसी को भी कुछ बताना उचित नहीं समझता। हम समझ सकते हैं, लेकिन सुरेखा के पति प्रमोद का खून हो गया, वो भी उन्हीं के घर में। खून हो गया? कब? परसों रात को। और हमेशा कि सुरेखा ने अपने पति का खून किया, और खून करने के बाद वो गायब हो गए। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि सुरेखा हमारे सामने बेहोश हो गई, और जब हमने उसे अस्पताल में भर्ती किया तो वो अस्पताल से भाग गई। भाग गई? डॉक्टर साहब, अगर आप हमें बता देंगे कि सुरेखा को क्या बीमारी है, तो हमें केस सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए, मैं कैसे? देखिए प्लीज, आप बताएंगे आपने उसे ये एंटी डिप्रेसेंट क्यों दी थी? क्या उसे किसी किस्म का डिप्रेशन था? जी, सुरेखा को डिप्रेशन नहीं था, सुरेखा को दरअसल नींद में चलने की बीमारी थी। नींद में चलने की बीमारी? जी सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेखा ने नींद में ही अपने पति का खून कर दिया? डॉक्टर साहब, नींद में चलने वाला आदमी नींद में खून कर सकता? वेल, हाँ भी और ना भी। मतलब क्या सुरेखा ने इससे पहले भी नींद में कोई अजीब सी हरकत की थी? प्रमोद ने मुझसे कहा था कि एक बार रात को वो जब उठा तो सुरेखा बिस्तर पे नहीं थी। पूरा घर छान मारने के बाद उसने देखा सुरेखा घर पर भी नहीं थी। फिर वो जब उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले तो उसने देखा कि सुरेखा पब्लिक पार्क में नंगे पांव नाच रही थी। पब्लिक पार्क में नाच रही थी? जी। इसका मतलब सर, किराने वाला सच बोल रहा था? उसे बचपन से नाचने का शौक भी तो था। ये मुमकिन है, क्योंकि इंसान अपने कॉन्शियस यानी सचेतन अवस्था में जो चीज पसंद करता है, वही चीज वो अपने सबकॉन्शियस यानी अर्धचेतन अवस्था में करता है, भले वो नींद में क्यों ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब, नींद में कोई किसी का खून कर सकता है? वेल, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ साल पहले अमेरिका में एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे एक आदमी ने अपने भाई का खून कर लिया, और कोर्ट में ये साबित हुआ कि वो अपने भाई से बेहद नफरत करता था, इसलिए उसने अपने भाई को अपने सबकॉन्शियस यानी अर्धचेतन अवस्था में मार डाला। लेकिन सर, सुरेखा की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, जहां तक मुझे पता है, अर्धचेतन अवस्था में कोई आदमी चीजों को छुपाएगा नहीं, am I right? ठीक कह रहे हैं। अजीब बात है, हमें गन मिली कचरे के डब्बे में बहुत सारे कागजों के नीचे छुपाई हुई, और खून से सना हुआ नाइट ड्रेस मिला, वो भी वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारे कपड़ों के नीचे छुपाया हुआ। पर सर, किराने वाले के हिसाब से तो जब प्रमोद का खून हुआ तब तो सुरेखा पब्लिक पार्क में नाच रही थी।
वही तो, एक ही आदमी एक ही समय पर दो दो जगह पर कैसे हो सकता है? अजीब चक्कर है। कोई ऐसा तो नहीं कि सुरेखा की इस बीमारी का कोई और ही फायदा उठा रहा है? हो सकता है, और अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द सुरेखा को ढूंढना होगा, क्योंकि अब उसकी जान को खतरा हो सकता है। सर, हाँ सर, उस रात जब सुरेखा जी हॉस्पिटल से गायब हुई थी तो इस रिक्शा वाले ने उन्हें देखा था। तुमने सुरेखा को देखा था? जी साहब, और वो मैडम बड़ी अजीब तरीके से चल रही थी। अजीब तरीके से मतलब? मतलब खोई खोई हुई लग रही थी। खोई हुई सी लग रही थी? जी हाँ, और एक बात और, एक आदमी उनका पीछा भी कर रहा था। एक आदमी उसका पीछा कर रहा था? जी हाँ। तो क्या तुमने उस आदमी को देखा? जी। तो उसकी शक्ल बनवा सकते हो, स्केच? जी हाँ बिल्कुल बनवा सकता हूँ। वो आदमी ऐसा ही दिखता है? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था। नहीं दीजिए। सर हाँ, ये लीजिए स्केच। अच्छा, तो ये है वो आदमी जो सुरेखा का पीछा कर रहा था। रेडी? क्या हुआ? कुछ नहीं सर। सर इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। तुमने देखा है इस आदमी को? हाँ सर। कहाँ पर? याद करो, याद करके बताओ। याद आया सर, इस आदमी को मैंने डॉक्टर जितेंद्र के कैबिन में से बाहर निकलते हुए देखा। डॉक्टर जितेंद्र के कैबिन से बाहर निकलते हुए देखा था इसे? कहीं इस आदमी ने तो नहीं सुरेखा को अगवा किया? डॉक्टर जितेंद्र के पास जाकर पूछताछ करो, पता लगाओ इस आदमी के बारे में। आप लोग फिर से? माफ कीजिएगा, आपसे फिर से मिलना जरूरी था क्योंकि सुरेखा की जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या हुआ सुरेखा का, मिल गई वो? जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। ये आदमी कल आपके कैबिन में से बाहर निकला था जब हम यहाँ पे आए थे, आप इसे बुला सकते हैं? ये तो मेरा असिस्टेंट मनसुख है, लेकिन इसका सुरेखा के साथ क्या लेना देना? हमें शक है कि इसी ने सुरेखा को अगवा कर लिया। क्या, मनसुख ने सुरेखा को अगवा किया? हाँ, मनसुख आपकी क्लिनिक में कहीं दिख नहीं रहा, आज काम पे नहीं आया क्या? नहीं, वो सुबह उसका फोन आया था और कह रहा था कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हुई है, इसलिए 3-4 दिनों तक नहीं आएगा। लगता है हमारा शक सही निकला। मनसुख के घर का पता मिले? हॉस्पिटल वालों ने जो मनसुख का एड्रेस दिया था यही है ना? हाँ सर। सर लेकिन मुझे लगता नहीं कि मनसुख को हमें देख के खुशी होगी। हमें देख के किसे खुशी होती है? मुझे मायूस हो जाता है क्योंकि जानता है कि उसका वक्त पूरा हो गया। मनसुख है घर में? नहीं, आपसे कितने पैसे उधार लिए उसने? अरे वाह, इतनी ईमानदारी, वो भी आज के जमाने में, कमाल है। ईमानदारी नहीं सर, मजबूरी कहिए इसे। कैसी मजबूरी? वैसे आप लोग कौन? सीआईडी से भी मंसूर ने उधार ले लिया। सीआईडी को उल्लू बना के पैसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे हम लोग पैसे मांगने नहीं, मनसुख के बारे में पूछताछ करने आए। पूछताछ करे? ये मनसुख सबसे पैसे उधार लेता है क्या? गली का भिखारी रह गया था, वरना वो तो उससे भी उधार ले लेता। मैं तो उसकी आदत से परेशान हो गई हूँ सर। वो खुद तो अस्पताल में पड़ा रहता है दिन भर, और उसके पीछे उसके लेनदारों का जवाब मुझे देना होता है। वैसे मनसुख की माँ की तबीयत कैसी है? मनसुख की माँ की तबीयत? हाँ, यही कहके उसने हॉस्पिटल से छुट्टी ली। हे भगवान, इस हद तक गिर गया मनसुख। कहना क्या चाहती है, साफ साफ बताइए। जी, मनसुख की माँ की मौत तो 2 साल पहले ही हो गई थी। फिर उसने झूठ क्यों बोला? पता नहीं क्यों, वो तो मुझसे भी झूठ बोलकर ही गया होगा। आपसे क्या बोला, कहाँ जा रहा है वो? कल दोपहर को। आ गए तुम? कब सुधरोगे तुम? मैं कुछ कह रही हूँ। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे छोड़ो तो यहाँ। इतने सारे पैसे अब चोरी भी शुरू कर दी क्या तुमने? यहाँ पे मैं तुम्हारे कर्जदारों से परेशान हो गई हूँ और तुम? अरे अपनी बकवास बंद करो, जाओ जाके मेरा सामान पैक करो।
मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है? क्यों जाना है? अरे हॉस्पिटल का कुछ सामान खरीदना है। ये वैसे मुझे डॉक्टर साहब ने दिए। अब जाओ ना, जाओ जल्दी करो, जाओ। हॉस्पिटल से कह के गया कि माँ की तबीयत खराब है। इनसे बोल के गया कि दिल्ली जा रहा है हॉस्पिटल का सामान लाने। सर सर मुझे लगता है सुरेखा और प्रमोद के केस में जरूर इस मनसुख का हाथ है। हाँ सर, इस केस से मनसुख का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। ये शराब की बोतलें, इस मनसुख को शराब पीने की आदत है क्या? जी सर, जब तक दो बोतल देसी दारू न पी ले उसे नींद ही नहीं आती है। अपनी सारी कमाई वो दारू में ही उड़ा देता है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने उसकी नौकरी लगवाई कलकत्ता में, उसने जाने से मना कर दिया। मना कर दिया क्यों? क्योंकि उसकी मनपसंद देसी दारू यही मिलती है मुंबई में। सर सुरेखा को अगवा करके जो पैसे मनसुख को मिले हैं वो पैसे उसने देसी दारू पे ही उड़ाए होंगे। जब रेडी देसी दारू? हाँ सर, मुंबई में जितने भी देसी दारू के अड्डे हैं वहीं पे जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा मगर गुड। अच्छा याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, मनसुख के बारे में पूछताछ करनी है। वेरी गुड। और अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो तो? यही कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हूँ। तेरे की तुम फ्रेडी नहीं हो, तुम एक टपोरी हो, पप्पू, पप्पू टपोरी, समझे? आई एम सॉरी सर, मैं तो भूल ही गया, मैं पप्पू टपोरी और मैं कल्लू टपोरी। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना कि तुम मुन्ना भाई के गैंग के आदमी हो और मनसुख को ढूंढ रहे हो, क्योंकि क्योंकि मनसुख ने मुन्ना भाई से पैसे उधार लिए हैं लेकिन वापस नहीं लौटाया है। समझ गए सर। गुड, अब जाओ और ओवर एक्टिंग मत करना, समझे? जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन करना, निकल लो। आई सुन, स्पंडर को कोई जानता है? ए भाई साहब, इसे देखा है क्या? ये अपन के एरिया का नहीं है। ध्यान से देख, पहचानेगा तो माल मिलेगा ना। अरे ठीक से देखो ना, ए तुम भी देखो ना। अरे बाबा बोला ना, आपने पी रखी है क्या? आदमी का तो बड़ा पहचान दो क्या? हाँ हाँ, आपको बोल रहा हूँ। अरे पी तुमने रखी है? नहीं पहचानता, जाओ यहाँ से। और वो उधर चेक कर लिया लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे भी कुछ नहीं मिला है, ना मनसुख फनसुख कुछ नहीं है। एक बार बचता है। कौन देखो? रोशनी बार। वहीं पे चल के मनसुख पे रोशनी डालते हैं। चलो फटाफट बोल, क्या चाहिए? मौसमी, नारंगी, अंगूरी? ये आदमी चाहिए। हम यहाँ शराब बेचते हैं, इंसान नहीं। अब आया है तो पतली गली से निकल लो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ एक गोली शरीर के अंदर जाएगा और तुम चार कंधे पे इधर से बाहर जाएगा। कौन है आप लोग? अपन पप्पू टपोरी और ये कल्लू टपोरी, मुन्ना भाई के पंटर है दोनों। मुन्ना भाई? पहली बार नाम सुना है मैंने। बड़ा डेंजर आदमी है, लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। कोई उसका नाम लेगा नहीं तो तुम सुनेगा कैसे? अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? अब चल फटाफट बता, मनसुख पिछले 10 घंटे में इधर आया था कि नहीं आया था? देख, उसने मुन्ना भाई से पैसे उधार लिए और फिर गायब हो गया, समझा? देख, अगर तुम अपुन को बताएगा कि मनसुख किस कोने में गिरा पड़ा है तो अपुन तेरे को मालामाल कर देगा। सचमुच? तुम अपुन को इनाम देगा तो अपुन तुम्हारा काम क्यों नहीं करेगा? फटाफट बता, मनसुख किधर है? कल रात को मनसुख इधर आया था, फुल 2 दारू पिया,
और रहने के लिए कमरा मांगा। अपने सिर्फ 500 रुपए में उसको पीछे वाला खोली दिया सोने के वास्ते। अब चल फटाफट दिखा उसका खोली किधर है। अपना धंधे का टाइम है ना, अपन अभी नहीं आ सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, वो नहीं तो हो गया। आइए दिखाता हूं मैं आपको। नारंगी उसंगी कुछ भी पिला दे, सोडा नहीं तो पानी पिला दे। ना ना ना, ना सोडा ना पानी, अब उनको तो सिर्फ दारू पिला दे। आज तो अपन फटे तक दारू पिएगा। बहुत सारा माल है अपने पास, बहुत सारा। अरे जेक, तुम जियो हजारों साल। देख अभी अपन तुम्हारे पास ही आने वाला था, वो क्या है ना, दारू खत्म हो गया है, दो बोतल चाहिए बस। अरे मनसुख पहले इन लोगों से मिल ले। कौन है लोग, यहाँ क्या कर रहे? सेठ मैंने तुमको एक कमरे का पूरा भाड़ा दिया है, वो भी एडवांस में। इस कमरे में से मैं ही रहूंगा। हाँ अरे मनसुख तेरी बकवास बंद कर और इनकी बात मान ले। जो मानू इनकी बात में, कौन है ये लोग? अरे ये मुन्ना भाई के आदमी लोग है। मुन्ना भाई? कौन मुन्ना भाई? वही मुन्ना भाई जिससे तूने पैसे उधार लिए थे। अरे इनके पैसे लौटा दे वरना तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे ये। लेकिन मैं किसी मुन्ना भाई को जानता ही नहीं, ना मैंने किसी मुन्ना भाई से पैसे उधार लिए। देखिए आप लोगों को कोई गलत फहमी नहीं है, अब जाइए। जाइए अब जाएंगे, लेकिन पहले तुझे साथ लेके जाएंगे सीआईडी ब्यूरो। सीआईडी? आप लोग सीआईडी से? हे भगवान कहाँ फंस गया मैं? लोगों को दारू पिला के उनके घर बर्बाद करते हो, तुम्हारा तो भविष्य हम बर्बाद करेंगे। सीआईडी वाले को क्या हुआ? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया मैंने। सब याद आ जाएगा, पहले तुम्हारा नशा उतारना पड़ेगा। सुरेखा को किडनैप किया, उसके पति का खून किया तूने? नहीं सर, प्रमोद के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। अच्छा तो जब सुरेखा हॉस्पिटल से बाहर गई तब तुमने उसका पीछा क्यों किया? सर सुरेखा को नींद में चलने की बीमारी थी, उन्हें पता था कि वो रात को नींद में चलकर हॉस्पिटल से बाहर आएगी, इसलिए उन्होंने मुझे पीछा करने को कहा सर। किसने, कौन था वो आदमी? सर करीब 25-27 साल का आदमी था, उसका कद छोटा था सर। नाम? मुझे उसका नाम नहीं पता सर। सर उसने मुझसे कहा कि वो सुरेखा का दोस्त है और वो सुरेखा की सुरक्षा की चिंता करता है सर। तो तुमने ये काम उसकी मदद के लिए किया है? तो ये दारू के पैसे कहाँ से आए? कर्जदारों के पैसे कहाँ से चुकाने वाले थे तुम? मैं मानता हूँ कि मैंने ये काम पैसों के लिए किया, पर सर मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। सर सुरेखा को बंगले में छोड़ने के बाद मुझे सुनने में आया कि सुरेखा के पति प्रमोद का खून हो गया है। सीआईडी वालों को सुरेखा पर शक है। मैं डर गया था सर, मुझे लगा कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता है मैं पैसे लेकर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता हूँ। बस सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर आपको लगता है आदमी सच बोल रहा है? 25-27 साल का छोटे कद का आदमी जो अपने आप को सुरेखा जी का दोस्त कहता है, कौन आ सकता है? उसने इस काम के लिए तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि सर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र की क्लिनिक में कई सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम था कि सुरेखा उनकी पेशेंट है, मैं उनकी बीमारी से अच्छी तरह से वाकिफ था। और सर वो मुझे पहचानती थी इसलिए मुझे पता था कि जब वो जागेगी वो मुझे देखकर चौंकेगी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल सर ऐसे मरीज नींद में कहीं भी चले जाते और जागने के बाद अगर वो अपने आप को किसी अनजान जगह या अनजान लोगों के बीच पाते तो बौखला जाते सर वो। और सुरेखा मुझे जानती थी इसलिए मुझे पता था कि ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी सर। इस वक्त सुरेखा कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर उस आदमी ने मुझे कहा कि सुरेखा जी जब जाग जाए तो उसे समझा बुझा कर एक बंगले में छोड़ कर आना। सर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर कहीं सुरेखा अभी भी उस बंगले में तो नहीं है? कहाँ है वो बंगलो जहाँ तुमने सुरेखा को छोड़ा था? मनसुख ने यही पता बताया था ना? हाँ सर।
चल दरवाजा तोड़ दे या बिल मार के दरवाजा खुलने का इंतजार करें। पहले सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो उंगली टेढ़ी कर देंगे। दरवाजा तो खुल नहीं रहा, उंगली टेढ़ी करें। लेकिन दरवाजा तोड़ेंगे नहीं, कोई और रास्ता ढूंढते हैं अंदर घुसने का। तो ये तो सुरेखा है, इसने तो हेडफोन लगा रखा है। हाँ, ये कर क्या रही? सर ये तो पंखे पे लटकने की तैयारी कर रही है। अंदर चलो। सुरेखा, सुरेखा उठो, देखे पानी लाओ। मैं सुरेखा हूँ, मैं गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या करना चाहती हूँ। सुरेखा, सुरेखा होश में आओ, उठो। ये मैं क्या कर रही थी? आप फांसी लगाने जा रही थी। फांसी? जी हाँ, इस हेडफोन्स के जरिए आपको सम्मोहित किया जा रहा। सम्मोहित? मैं सुरेखा हूँ, मैं गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या करना चाहती हूँ। मगर सर, ये आवाज तो सुरेखा की नहीं है, किसी और लड़की की है। हो सकता है ये जो कोई भी लड़की है, वे नहीं चाहती कि सुरेखा जिंदा रहे, और उसी ने इनके पति प्रमोद का खून किया। हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप घबराइए मत, हम इस सब की तह तक पहुंचेंगे। मगर सर, हमें पता कैसे चलेगा कि इस सब के पीछे कौन है? इसी जगह पर खूनी का इंतजार करके, क्योंकि जिस लड़की की भी आवाज इस हेडफोन से आ रही वो यहाँ वापस जरूर आएगी, ये देखने की सुरेखा जिंदा है या फिर मर गई। दो घंटे हो गए सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। सब्र करो फ्रेडी, सब्र का फल मीठा होता है। सब मेरे साथ ही क्यों होता है? संभाले अपने आप को सर। माय गॉड, यहाँ पर तो सिर्फ रस्सी है। सुरेखा कहाँ गई? सुरेखा पहुंच गई। सुरेखा यही है, जिंदा है, और तुम लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कहाँ भाग रहे हो? कमर में दर्द हो जाएगा। कौन है आप लोग, बोलिए, और मुझे मारना क्यों चाहते थे? क्या आप इन्हें नहीं जानते? जी नहीं, मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। पर तो फिर ये लोग आपको क्यों मारना चाहते? इस बात का जवाब तो यही दोनों देंगे। क्यों मारना चाहते हो तुम सुरेखा को? हमने ये सब उसके कहने पे किया था। किसके कहने? जिसका ही प्लान था। किसका प्लान था? कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, हो क्या रहा है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? माँ, सुरेखा दीदी और प्रमोद जीजू का आपसी रिश्ता कैसा था? मतलब उनके बीच में कोई तनाव या झगड़ा हो रहा हो, या फिर जीजू का किसी और लड़की के साथ अफेयर हो और ये बात दीदी को पता चल गई हो, दीदी ने गुस्से में आकर उन्होंने जीजू का खून कर दिया हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन के बारे में ऐसे बोलते हुए। तुम अपनी बहन के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? बस 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 ना, बस कीजिए। आपको भी सुरेखा पर ही शक है? शक नहीं है, लेकिन सारे सबूत उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, और सीआईडी को भी यही लगता है। मैं देखता हूं। जी गई। मैं सीआईडी सर। आप कौन? मैं सुरेखा का भाई रोशन हूं। बच्ची, कुछ खबर मिली उसकी? पता चला, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसे बचा नहीं सके। बचा नहीं सके? कहाँ है सुरेखा? क्या हुआ उसको? उसने आत्महत्या कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये सब झूठ है। सुरेखा में छोड़ के ऐसा नहीं जा सकती। भगवान के लिए कह दीजिए कि ये सब झूठ है। भगवान ने आपकी बात सुनी है। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि
आपकी बेटी सुरेखा मरी नहीं है, जिंदा है। सुरेखा जी। माँ, मेरी बच्ची। भाभी, आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों कहा? उसका जवाब है ये दोनों। आइए। भैया, माफ करना दीदी। स्वाति जी, भागने की कोशिश बेकार है, सो प्लीज। अब बताओ, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी प्रमोद के साथ जो तुमने उसका खून किया? नहीं सर, प्रमोद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे तो परेशानी उस सुरेखा से थी। परेशानी? वो भी सुरेखा से? सुरेखा तो तुम्हारे पति की बहन है ना। परेशानी खड़ी की थी मेरे ससुर जी ने, जिन्होंने अपनी सारी की सारी जायदाद अपनी बेटी उस सुरेखा के नाम कर दी थी, और अपने बेटे यानी कि मेरे पति उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दी, जो बात मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर थी। मगर प्रमोद ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसका खून क्यों किया? क्योंकि मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी, एक तो प्रमोद का खून और दूसरा उसका इल्जाम सुरेखा पर। इससे सारा का सारा पैसा मेरे पति का हो जाता, सारी की सारी जायदाद मेरे पति को मिल जाती। और सुरेखा को नींद में चलने की बीमारी है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मेरी होने वाली बाबू ये उसी हॉस्पिटल में काम करती थी जहाँ पर सुरेखा का इलाज चल रहा था, किसी ने उसे वहाँ देखा था और मुझे तुरंत बताया। मैंने ही इसे सुरेखा की बीमारी के बारे में और पता करने के लिए कहा था। वाह रे वाह प्रिया, वाह, अच्छा साथ दिया तुमने। और जैसे ही तुम्हें सुरेखा की बीमारी के बारे में पता चल गया, तुम्हारे दिमाग में वो घिनौना प्लान आ गया है ना? हाँ, मैंने इंतजार किया उस रात का जब सुरेखा नींद में चलते चलते सामने के पब्लिक पार्क में जाकर नंगे पांव नाचने लगे। फिर मैंने प्रिया और राजेंद्र की मदद लेकर प्रमोद का खून करवा दिया। प्रमोद पर गोली किसने चलाई? गोली राजेंद्र ने चलाई थी। तो फिर सुरेखा के उंगलियों के निशान पिस्तौल पे कैसे आए? मैं अच्छे से जानती थी कि सुरेखा जब नींद की अवस्था में चलते चलते बाहर जाएगी तो वो कपड़े जरूर बदलेगी, इसलिए मैंने उसके कपड़ों के ऊपर पिस्तौल रख दी थी। और उसने वही किया जो मैं चाहती थी, उसने कपड़ों के ऊपर से पिस्तौल उठाई और उसकी उंगलियों के निशान उस पर आ गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, यहाँ तक कि सुरेखा के आत्महत्या का प्लान भी। पर पता नहीं आप लोग कहाँ से आ गए और सारा प्लान चौपट हो गया। चौपट तो तुम तीनों की जिंदगी हो गई जिस दिन हम तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ समझ गए। बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, अब शायद तुम तीनों को फांसी ही होगी। तब तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना।